वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मृत्यु के बाद वसीयत कितने समय के लिए वैध होती है, यानी आफ्टर डेथ विल कितने समय के लिए वैलिड होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे विल के बारे में। अब वसीयतकर्ता की चल और अचल दोनों संपत्तियों के बारे में, यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी मंशा की कानूनी घोषणा है। वसीयत का प्रवर्तन हमेशा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद होता है, और यदि वसीयतकर्ता की संपत्ति उसकी मृत्यु से पहले बिखर जाती है तो उसका दस्तावेज को वसीयत के रूप में नहीं माना जाता है। क्या मृत्यु के बाद की वैधता को अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है? लेकिन एक निश्चित समय अवधि में, एक लिमिट में, इसलिए मृत्यु के बाद की वैधता काफी महत्वपूर्ण है। अब मृत्यु के बाद वसीयत की वैधता होगी या नहीं, ये हम जानेंगे आगे। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद एक वसीयत लागू की जानी है। अब वसीयत का मूल उद्देश्य वसीयतकर्ता की वसीयत को उसके प्रॉपर्टी और अन्य कोई संपत्तियों के संबंध में लागू करना है। एक वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। सामान्य भाषा में कहे तो वसीयत वैध है चाहे वो पंजीकृत हो, यानी रजिस्टर्ड हो, या अपंजीकृत हो। अब वसीयत के प्रभावी होने की कोई समय सीमा नहीं है, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है। वसीयतकर्ता की मृत्यु से 12 वर्ष तक वसीयत को चुनौती दी जा सकती है, यानी 12 इयर्स तक चैलेंज की जा सकती है। अब जमनादास बनाम नवीन ठकराल और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कुछ कारण है कि कुछ पार्टियों को लंबे समय तक वसीयत का ज्ञान नहीं हो सकता है तो सिविल जज द्वारा नेचुरल जस्टिस के रूप में 12 साल की सीमा को माफ किया जा सकता है, अन्यथा प्रभावित हो सकता है। अब वसीयत कितने साल के लिए वैध होती है, वैलिड होती है, चलिए जानेंगे। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद एक वसीयत वैध होती है और इसके प्रवर्तन पर कोई रोक नहीं होती है, लेकिन वसीयत को चुनौती देने की समय अवधि यानी लिमिटेशन सिर्फ 12 साल है। और अगर कोई व्यक्ति 12 साल बाद इसे चुनौती देना चाहता है तो उसे देरी का कारण बताना होगा, यानी क्यों डिले हुआ है उनको, वो डिले का कारण रीजनेबल रीजन देना होगा। एक बार वसीयत की सामग्री को पूरा करने के बाद वसीयत को निष्पादित माना जाता है। भारतीय कानून में वसीयत के लिए समय सीमा की यानी लिमिटेशन की अवधि के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। एक बार 12 साल की अवधि बीत जाने के बाद वसीयत को स्थायी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कोई वसीयत कितने साल तक वैध है और यह लाभार्थी के जीवन भर के लिए वैध है। इसे किसी भी समय सीमा लागू किया जा सकता है, किसी भी समय लागू किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत कैसे काम करती है, चलिए जानेंगे। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद एक वसीयत लागू की जाती है और वसीयत को लागू करने के लिए लाभार्थी को वसीयत के निष्पादन के लिए एक प्रोबेट यानी आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। फिर आपको अदालत में यह साबित करना होगा कि वसीयत बनाने वाले व्यक्ति ने इसे पूर्ण सहमति से बनाया है और किसी तरह के दबाव में नहीं था। कानून की अदालत यानी वसीयत अपंजीकृत वसीयत के मामले में और जब संपत्ति किसी व्यक्ति को हस्तांतरित की जानी है यानी ट्रांसफर की जानी है तो अदालत से यह प्रोबेट आवश्यक है। अब वसीयत के प्रवर्तन में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी
या अन्य गलत फहमी से बचाव के लिए प्रोबेट आवश्यक है। प्रोबेट प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को वसीयत की प्रामाणिकता साबित करने की आवश्यकता होती है और इसे बिना किसी अनुचित प्रभाव के बनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत पंजीकृत वसीयत के मामले में प्रोबेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वसीयत पहले से ही और यह ज्ञात और सिद्ध है कि यह व्यक्ति की अंतिम वसीयत है और इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का कोई प्रकार नहीं है। अब वसीयत, क्या वसीयत खत्म हो जाती है? चलिए जानेंगे। एक वसीयत केवल तभी समाप्त हो सकती है जब कोई नई वसीयत बनती है, न्यू वसीयत बनती है, न्यू विल बनता है, या वसीयत करता इसे वापस ले लेता है। यदि कोई वसीयत अनुचित प्रभाव के तहत बनाई गई है या धोखाधड़ी के तहत बनाई है तो वसीयत भी समाप्त हो सकती है। ऐसे मामलों में एक वसीयत शून्य है और इसे समाप्त हो गया माना जाता है या बिल्कुल ही नहीं बनाया गया है, अन्यथा उचित कानूनों और प्रावधानों के अनुसार बनाई गई वसीयत समाप्त नहीं होती है, वह लीगली वैलिड होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तक इसे निष्पादक द्वारा स्वयं या वसीयत की विषय वस्तु द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, लाभार्थी के पास जाने से पहले अपना अस्तित्व खो दिया जाता है या कानून की अदालत इसे अवैध, शून्य और अप्रवर्तनीय घोषित कर देती है। सो फ्रेंड्स, ये थी वसीयत के बारे में जानकारी। थैंक यू।